हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th क्लास का फिजिक्स और मीडियम हमारा हिंदी, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के साथ हम पढ़ेंगे आगे मोशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रहों की गति। दोनों चैप्टर एक दूसरे से संबंधित हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन आप लोग का पहले भी छोटे क्लास में आप लोग ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाने हैं, पढ़े हैं। आपने न्यूटन की स्टोरी सबने सुना है, ये बात हर किसी को पता है कि न्यूटन सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेव का फल नीचे टूट के गिरता है, ये स्टोरी हर कोई जानता है। उन्होंने उस सेव के फल को पकड़ा और बार बार ऊपर उछाला, और उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि कोई भी वस्तु नीचे की ओर ही, जब ऊपर फेंके तो नीचे की ओर ही क्यों गिरता है। और इस घटना को लेके एक्चुअल में न्यूटन को साइंटिस्ट ऑफ द नेचर कहा जाता है, प्रकृति के वैज्ञानिक हैं वो। उनके जितने भी डिस्कवरी है, जितना भी उनका रिसर्च, उन्होंने जितना भी कॉन्सेप्ट दिया फिजिक्स में, मैक्सिमम नेचुरल इवेंट्स से रिलेटेड था, प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित था। चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे उनका बलों का नियम हो, चाहे ध्वनि का उनका प्रयोग हो, या प्रकाश में 7 रंग होते हों, टोटल उन्होंने नेचर का स्टडी किया। तो बेसिकली इसीलिए बोला जाता है कि न्यूटन इज़ द साइंटिस्ट ऑफ नेचर, वो प्रकृति के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि यदि कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंकें तो नीचे गिरता है, इसका कारण है कि पृथ्वी में कुछ आकर्षण करने की शक्ति है, पृथ्वी में किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति है। इस बात को लेकर उन्होंने बाद में बहुत यूनिवर्सल लेवल पर रूल डिक्लेयर किया, और उसको उन्होंने बोला न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, मतलब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि उनका पहला नियम है, न्यूटन के न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। हिंदी में ही मैं हेडिंग डाल दिया आपको, वैसे हेडिंग तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो, फिर भी हिंदी मीडियम क्लास मतलब हिंदी क्यों। चलिए कोई बात, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम इंग्लिश में बोला जाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यहाँ पर सबसे पावरफुल वर्ड है सार्वत्रिक। इस शब्द को थोड़ा समझना, यूनिवर्सल ये वर्ड उन्होंने अपने रूल में क्यों यूज किया। चाहते हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इसका मतलब यह है, सबसे पहले मैं इसी बात पर डिस्कस करूं कि उन्होंने कहा कि ये जो मैं रूल दे रहा हूं वह रूल सार्वत्रिक यूनिवर्सल होगा, मतलब हर जगह अप्लाई होगा, वो केवल पृथ्वी के लिए नहीं है, वह मंगल के लिए भी है, बृहस्पति के लिए भी है, पूरे गैलेक्सी में जितने भी ग्रह उपग्रह सब के लिए है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बहुत भारी पिंड हो जिसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो, तो अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं बताया उन्होंने इस नियम को सार्वत्रिक कहा। देखो किसी भी फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट पर वर्ड टू वर्ड आपको डिस्कस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं पता ही नहीं क्यों कहते हैं सार्वत्रिक। तो यूनिवर्सल का मतलब है कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता इसमें, छोटे से छोटे द्रव्यमान के पिंड पर जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, और बड़े से बड़े पिंड पर सूर्य और पृथ्वी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। तो पहली बात मैंने बताया कि मास की क्वांटिटी से परे है, मतलब यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि द्रव्यमान कितना बड़ा है। दूसरा वर्ड उन्होंने सार्वत्रिक के बाद जो वर्ड यूज़ किया वो क्या यूज़ किया अपने नियम, उन्होंने आकर्षण, नॉट प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण नहीं, ओनली अट्रैक्शन। तो ये नियम का दूसरा खासियत यह है कि यह सिर्फ आकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता। जैसे बाद में इस नियम को लेके आवेशों के बीच में या चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल के लिए 12th क्लास में आप पढ़ोगे कूलाम ने नियम दिया,
तो वहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, वह सार्वत्रिक नहीं है। तो न्यूटन के इस नियम की दो खासियत, पहला खासियत कि वह कहीं भी लगेगा, किसी परिस्थिति में लगेगा, वायु में भी लगेगा, निर्वात में भी लगेगा, पानी के अंदर भी लगेगा, किसी भी माध्यम में लगेगा, मतलब यह द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करेगा कि छोटा है कि बड़ा है, न माध्यम पर निर्भर करेगा कि किस माध्यम में लग रहा है, इस पर भी निर्भर नहीं करेगा। और दूसरी बात, यह सिर्फ आकर्षण का बल होता है। देखो किसी भी टॉपिक पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, यदि आपका फ्यूचर में कंपटीशन टारगेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको निकालना टारगेट है, तो पहला फार्मूला उसका यह है कि आप चीज़ों पर सूक्ष्मता से डिस्कस करना सीखिए। और जब आप बुक रीडिंग करो तो एक एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कॉन्सेप्ट के बेस्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, खासकर नीट के एग्जाम में। आईआईटी जी में तो न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिकल, लेकिन नीट के एग्जाम में मैंने देखा है कि खासकर नए पैटर्न पर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और वो डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को सूक्ष्मता से नहीं पढ़ेंगे, डीपली नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट कमाने। और फिजिक्स पढ़ने का मतलब भी है, मज़ा उसी में आता है जब आप उसको डीपली डिस्कस करो। दो चार फार्मूले रख लिए, न्यूमेरिकल बनानी है, तो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स का मतलब है उसकी फीलिंग्स आना चाहिए आपके अंदर, उसको वो अनुभव होना चाहिए आपको कि हाँ ये मैं महसूस कर रहा हूँ, फिजिक्स को महसूस करने का सब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का मैंने आपको सेंस बताया। अब हम देखते हैं उन्होंने नियम क्या दिया, मैं नियम का उनका कथन क्या है, अपने नियम के कथन में उन्होंने क्या बताया, स्टेटमेंट, कथन मतलब उनका स्टेटमेंट। तो उन्होंने अपने कथन में बताया कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिन एक दूसरे को और अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको शब्दशः बुक से लिख लोगे, इस ब्रह्मांड में या पूरे गैलेक्सी में क्या होता है, हर पिन एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है, यहाँ पर देखो मैं एक पिंड बना दिया ये, और एक दूसरा पिंड है, मान लो इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी मान लो d है r है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं अपन, और यहाँ से इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो f है। तो न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान, ये जो आकर्षण बल है इसका मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, उनकी बीच की दूरी क्या है, डी है, तो उसका वर्ग डी स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो न्यूटन के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, इसको हम चलो R से रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर अभी हम इस चैप्टर में R का यूज़ करेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या वगैरह का, खैर प्रतीक से कुछ नहीं होता ना, सिंबल से कुछ नहीं होता, कुछ भी मान सकते हो, dr का ही राइटर लोग डी ये आर ही ले लिया मैं सपोज। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो ये दो उन्होंने कथन दिया, एक बार और ध्यान से सुनिए, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए ये दोनों को हम मिला दें तो फर्स्ट एंड सेकंड से, यदि दोनों को हम यहाँ पर मिला दें तो हमको क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 वन इंटू एम टू अपान आर स्क्वायर, ये मिलेगा m1 वन इंटू एम टू अपान आर स्क्वायर। और आगे हम इसको सॉल्व करें, F इक्वल एक कांस्टेंट के यहाँ पर गुणा करेंगे, तो उन्होंने कैपिटल जी कांस्टेंट का गुणा किया, तो कैपिटल जी m1 वन इंटू एम टू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। और यहाँ पर जो g का मान उन्होंने यूज़ किया, ये कैपिटल g, उसको उन्होंने कहा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी का मान उन्होंने दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और प्रयोगों के द्वारा इसका मान दिया उन्होंने 6.67 इंटू 10^-11। अभी हम इसका यूनिट देखेंगे, तो देखो यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि क्या है ये बल है, इसका यूनिट न्यूटन होगा।
अब यहाँ पर यदि हम जी का वैल्यू लिखना चाहें तो जी के वैल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ पर जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपान, ये आर स्क्वायर चलाएगा अपान एम वन इंटू एम टू। तो देखो क्या हो गया, न्यूटन इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ये न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू ये केजी का इनवर्स, तो केजी का पावर माइनस टू, ऊपर जाके माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स केजी टू द पावर माइनस टू ऐसा होता है, या पर केजी स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये होता है जी का फार्मूला, कैपिटल जी निकालने का फार्मूला होता है, और इसका मात्रक ये होता है, और ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, आंकिक मान है। न्यूटन ने प्रयोगों के द्वारा बताया कि कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11 होगा। एक्चुअल में यह कैपिटल जी का वैल्यू होता कितना है, यदि हम इस पर डिस्कस करें तो आप ये कह सकते हो, इसी फार्मूला पर मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यदि हम इसको इकाई ले लें, आर को एक ले लें, ये वन ले लिया, एम वन एम टू दोनों को इकाई ले लें, एम वन बराबर मान लो एम टू है और दोनों इकाई है, यदि दोनों को हम इकाई ले लें तो देयर फोर यहाँ से g इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, f मिल जाएगा, क्योंकि ये सब इकाई हो गए, जिसको घेरा हूँ इकाई हो गए, तो ये g इक्वल टू f मिल जाएगा। और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा डीपली डिस्कस करता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है, एक्चुअल में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल के बराबर होता है, किस बल के बराबर, जो दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों पर लगता है जो कि इकाई दूरी पर होते हैं, या उसको मैं ऐसा सीधा बोलूं तो इकाई दूरी पर स्थित, ऐसा डेफिनेशन करना सीखो आप ना, इकाई दूरी पर स्थित दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल है वही कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कभी आपको एग्जाम में पूछ दे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा लिखो, तो क्या बोलोगे आप, इकाई दूरी पर स्थित दो इकाई द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे को जितने बल से आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को जितने बल से आकर्षित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ये एक है ना इकाई है, क्लियर, ऐसा हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। तो यह हुआ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। यहाँ पर आप कथन को वर्ड टू वर्ड बुक से लिखोगे, वर्ड टू वर्ड किसी भी वैज्ञानिक के कथन को आप अपने शब्दों में नहीं लिखोगे कि व्याख्या करके लिख दिए न्यूटन ने ऐसा कहा, कभी भी कथन लिखने का मतलब होता है एज इट इज, जैसा न्यूटन ने बताया था। आप 50 राइटर का बुक पढ़ोगे सब में वो शब्द सा वैसे मिलेगा, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं चलता, स्टेटमेंट पे एक्सप्लेनेशन नहीं, अदरवाइज आपको एग्जाम नहीं मिलेंगे। खासकर बोर्ड एग्जाम में यदि आप किसी के नियम को समझ के अपने शब्दों में लिख दिए तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कथन का मतलब सीधा बुक के लैंग्वेज में, ओके। तो ये है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बेट। इस कंपटीशन में आप क्लास 10th CBSE के स्टूडेंट्स के लिए है, मेन पॉइंट्स और मेन फीचर्स आपको बता दूं, आपके स्कोर स्पीड स्कोर लीडरशिप बोर्ड आपको शो होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्जाम का इन्फॉर्मेशन, 40 मिनट्स का एग्जाम होगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे 6 कॉम्बेट्स होंगे, आगे मैं उसको शेड्यूल बताऊंगा आपको, निगेटिव मार्किंग होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होगा, और आपको वीडियो के सॉल्यूशन के डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके इसके शेड्यूल क्या है, कॉम्बेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉम्बेट जो होना है, फर्स्ट 31 जनवरी को मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा सभी में, सेकंड 14 फरवरी, थर्ड 20th फरवरी एंड नेक्स्ट 14th मार्च, 28th मार्च एंड 11th अप्रैल, ये शेड्यूल आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप देखिए आपका सिलेबस, कि आपके सिलेबस क्या क्या होंगे, तो मैथमेटिक्स में आपका 10th CBSE बोर्ड में जो मैथ्स का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एंड द सिलेबस ऑफ साइंस इज केमिकल सब्सटेंसेस, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट ऑफ करेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, दिस इज योर सिलेबस। एंड नेक्स्ट डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, 4 ऑप्शन होंगे, मैं आपको बता चुका। और यहाँ पर देखिए आगे आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टाइप के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट आपका होने वाला है वो 10th CBSE बोर्ड वालों का जनवरी 31st 2021 में
11 AM मॉर्निंग में, ये आपका फर्स्ट कॉम्बैट है, पहले मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इनरोल कैसे होना है, आपको ऐप डाउनलोड करके कोड यूज़ करना है अन एकेडमी, और ये है आपका रिवार्ड। फर्स्ट रैंकर्स को 12th मंथ का अन एकेडमी CBSE क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 2 को 6 मंथ का क्लास 11 प्लस सब्सक्रिप्शन, थर्ड रैंक को 6 मंथ का अन एकेडमी CBSE क्लास 11 सब्सक्रिप्शन, एंड रैंक 4 में 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जहां पर 1 मंथ अन एकेडमी का आपको क्लास 11 का CBSE का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आज इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद इसमें इस्माइल जी के बारे में हम डिस्कस करें, इस्माइल जी और इसमें रिलेशन, इस्माइल जी तथा कैपिटल जी में रिलेशन। आज मैं पहला क्लास है, आपको मालूम है कि पहले क्लास में मैं आपको केवल बेसिक फंडामेंटल जो आगे काम आएगा उस पर डिस्कस करता हूं, इस्माइल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। यदि हम इस्माइल जी और कैपिटल जी में रिलेशन देखना चाहें, इस्माइल जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रिलेशन के बेस पर आगे की पूरी पढ़ाई हमको करना है चैप्टर में। तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है, जब किसी पिंड को हम स्वतंत्रतापूर्वक गिराते हैं, नीचे छोड़ देते हैं, तो वह नीचे गिरता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और उसमें जो उस समय त्वरण उत्पन्न होता है, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी पिंड पर यदि हम बल लगाएंगे उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरते हुए किसी पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, और उसका उसको हम इस्माइल जी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि पीछे हमने जो कांस्टेंट पर डिस्कस किया उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक कहने का मतलब ये नियतांक पूरे ब्रह्मांड में 6.67 × 10⁻¹⁻ ही रहेगा। यदि हम चंद्रमा में चले जाएं तो भी कैपिटल जी उतना होगा, यदि हम मंगल ग्रह में चले जाएं तो भी कैपिटल जी। न्यूटन ने बताया कि ये जो मैं नियतांक दे रहा हूँ वह पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर परिस्थिति में इतना ही रहेगा, इसीलिए वह सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो इस्माइल जी होता है, ये इस्माइल जी का वैल्यू क्या होता है परिवर्तनशील होता है, ये बदलता है, ये स्थान बदलने पर या फिर जमीन के अंदर जाने पर, पहाड़ में जाने पर, पृथ्वी के घूमने के कारण पर। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है वह वही पढ़ना है, इस्माइल जी के मान में परिवर्तन, जिसको आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके बेस पर पढ़ा जाएगा। इसलिए जो पहला वीडियो है जो आज आप देख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना है, और उसमें जितने फार्मूला मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार करना है। तो ये टॉपिक है हमारा इस्माइल जी तथा कैपिटल जी में रिलेशन, और क्या होता है ये देखो, इसमें दो रिलेशन देखेंगे। पहला रिलेशन आप देखो, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम पृथ्वी के सतह पर मान लो कोई पिंड रखे हुए हैं, ठीक है, इस पृथ्वी के सतह पर मान लो हमने कोई पिंड रखा है, ये मान लो कोई पिंड हम पृथ्वी के सतह पर रखे हुए हैं ऐसा। तो यहां पर आप देखो, ये पृथ्वी है अर्थ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी के द्रव्यमान को हमने कैपिटल एम ले लिया और इसके द्रव्यमान को स्मॉल एम रखा जो पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है। अब इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा, ये मान लो कैपिटल आर है, क्लियर। इस तरह से इस पिंड पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, आपको मालूम है कि इस पर लगने वाला जो बल होगा F इक्वल टू होता है m × g, जो कि किसी भी पिंड का क्या होता है भार होता है, किसी भी पिंड का जो भार होता है वह उस पिंड के द्रव्यमान और उस स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि न्यूटन के ही दूसरे नियम से हमने पढ़ा है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, लेकिन अभी जो हम नियम पढ़ रहे हैं जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, इस नियम को यहाँ पर अप्लाई कर दें
तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू कैपिटल जी और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, उस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m, जी एम वन इंटू एम टू। तो एम वन के यहाँ कैपिटल एम, एम टू स्मॉल एम, और इनके बीच की दूरी जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है वह है आर स्क्वेयर। ये हो जाएगा रिलेशन नंबर टू। तो यहाँ पर आप देखो कि इस पिंड पर हम दो तरह के बल की कल्पना कर सकते हैं, एक बल उसके भार के कारण और दूसरा बल पृथ्वी और उस पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और चूंकि वह बैलेंस कंडीशन में पृथ्वी में रखा हुआ है तो दोनों बल क्या होंगे, परिमाण में आपस में बराबर होंगे, दोनों F के बराबर हैं। तो इसलिए एक तथा दो से, इसलिए एक तथा दो से यदि दोनों को हम कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। और यहाँ से आप देखो हम दोनों साइड से स्मॉल एम को कैंसिल आउट करा दें तो यहाँ पर हमको एक रिलेशन मिलता है, और वह रिलेशन क्या मिल जाएगा, देखो ये मिलेगा जी इक्वल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। और यही रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। स्मॉल जी और कैपिटल जी में पहला रिलेशन होता है जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद करके रखना है क्योंकि इस फार्मूला के बेस पर ही आगे आपकी पूरी पढ़ाई चलेगी। तो ये पहला रिलेशन है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में, पहला रिलेशन मैंने आपको ये बताया। और इस पर दूसरा रिलेशन और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर जो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है वह पृथ्वी के द्रव्यमान के पदों में है, लेकिन कई बार हमको दो ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरण का तुलना करना होता है या दो ग्रहों की त्रिज्याओं का बहुत प्रकार का तुलना करना होता है, लेकिन वहाँ उनका द्रव्यमान नहीं पता होता, उनका घनत्व पता होता है। तो उसको हम घनत्व के पदों में निकालना चाहें तो यह द्रव्यमान के पदों में है, और दूसरा हम निकालते हैं उसके घनत्व के पदों में। यहाँ पर मैं हेडिंग ही डाल देता हूँ, डेंसिटी के फॉर्म में। ये है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में रिलेशन, लेकिन डेंसिटी के फॉर्म में, घनत्व के पदों में। ये किसके फॉर्म में है, ये द्रव्यमान के पदों में है। ये द्रव्यमान के पदों में है, घनत्व के पदों में। तो घनत्व के पदों में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मास का है वैल्यू है उसको हमको डेंसिटी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। किसी भी पिंड का जो घनत्व है वह उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर उसके घनत्व निकालने के लिए आयतन चाहिए। तो आयतन कितना हो जाएगा, देखो चूंकि हमको पता है पृथ्वी एक गोला है और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। यह है पृथ्वी का आयतन, और मास को हमने कैपिटल एम ही लिया है। तो देयरफॉर उस फार्मूला को हम वहाँ से क्या लिख सकते हैं, यदि हम मास के फॉर्म में इसको निकालें तो मास इक्वल टू लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणित आयतन। उस फार्मूला को हम यूज़ कर लें तो देयरफॉर मास, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा डेंसिटी ये, और इंटू वॉल्यूम माने 4/3 πr³। यह हो जाएगा डी इंटू 4/3 πr³। और इस मास के वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। सपोज ये रिलेशन नंबर थर्ड है तो यहाँ पर हम पुटअप कर दें तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा अपने को, देयरफॉर रिलेशन थ्री से, रिलेशन थ्री में हम इस मान को भर दें तो हो जाएगा स्मॉल जी इक्वल जी अपान आर स्क्वायर। जी अपान आर स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, और इंटू ये कैपिटल एम के मान को यहाँ से हम पुटअप कर रहे हैं तो हो जाएगा डी इंटू 4/3 πr³। ये हमने वहाँ से मास के वैल्यू को पुटअप कर दिया तो देयर फॉर यहाँ से हमको मिल जाएगा जी इक्वल, अब कांस्टेंट को मैं सामने लिख रहा हूँ तो 4/3 को मैंने बाहर लिख दिया, 4/3, इसके बाद पाई कांस्टेंट को पहले लिख दिया, पाई कैपिटल जी को आर क्यूब आर स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट होगा तो एक आर बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर 4/3 πgr, और ये डेंसिटी बचा हुआ है इंटू डेंसिटी। तो g इक्वल टू 4/3 πgr d, ये क्या हो जाएगा इसका, ये मैं आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये फार्मूला को याद कर लेना कि
क्योंकि आगे का मैं जितना आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पूरा इन्हीं दोनों फार्मूला पर बेस्ड होगा, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। तो g इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर और स्मॉल g इक्वल टू 4/3 πgRd। जब आपको किसी क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया रहेगा तो द्रव्यमान के पदों में इस फार्मूला को यूज़ करोगे, और कहीं आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान ना दिया हो, डेंसिटी दिया हो, या डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमको कोई नया फार्मूला निकालना हो तो इसको यूज़ करोगे। ओके, इस प्रकार से स्मॉल g और कैपिटल g में ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन के बेस पर आपको आगे पढ़ना है स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्मॉल जी के मान में परिवर्तन को एक साथ पढ़ाऊंगा। कुछ पार्ट को मैं यहाँ पढ़ा दूँ, कुछ पार्ट को वहाँ पढ़ा दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। पार्ट का टॉपिक को वहीं कंप्लीट करना चाहिए जहाँ पर आगे का ज़रूरत हो और वहाँ स्टार्ट करके वो कम्प्लीट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, जिसमें चार तरीके से परिवर्तन होता है, ऊँचाई के साथ, गहराई के साथ, पृथ्वी की आकृति के कारण और पृथ्वी के घूर्णी गति के कारण। तो ये चार परिवर्तन हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये दोनों फार्मूले उसमें यूज़ होंगे। तो आज आप इतना ही तैयार करिए, बेसिक चीज़ को तैयार करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ओके, थैंक यू।